हाय एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज डॉक्टर निकिता सिलानी. आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज मैं चर्चा करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बच्चों में, छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं और एडल्ट एज के पर्सन होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका नाम है एक्जिमा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में छाजन के नाम से जानते हैं. इसमें क्या बहुत ज्यादा इचिंग होती है, पर्सन क्या इरिटेबल हो जाता है. इसके लिए मेनली एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन नहीं है. ये सेल्फ कुछ मतलब इसके जो इरिटेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें थोड़ा रिलीफ मिल पाता है. बट होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इसे परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, दोबारा रिपीट नहीं होती ये प्रॉब्लम. ठीक है, इसलिए आप जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और टॉपिक पसंद आए प्लीज लाइक करना ना भूलो. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक एक्जिमा. जिसको एक्जिमा में मेनली जो ये छाजन होता है, इसमें मेनली एटोपिक डर्मेटाइटिस मेनली कंडीशन ये होती है. दूसरी होती है आपकी सेबोरिक डर्मेटाइटिस. सेबोरिक डर्मेटाइटिस का वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं एटोपिक डर्मेटाइटिस मीन्स एक्जिमा के बारे में आपके साथ इसको डिटेल्स में शेयर करूंगी. ठीक है, एक्जिमा ये मेनली क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है. इचिंग के साथ साथ रैसेस से पहले बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है. ये एक जिनमें एलर्जिक कंडीशन होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या हे फीवर होता है, जो एलर्जिक जैसे पोलन ग्रेन्स वगैरह कुछ जो इरिटेंट्स होते हैं पर्सन को प्रॉब्लम करते हैं, जिनसे उनको एलर्जी होने लगती है, रैसेस होने लगते हैं या छींकें आने लगती है, उन प्रॉब्लम के साथ ही एक्जिमा की प्रॉब्लम देखी जाती है. ये प्रॉब्लम मेनली इन्फेंट्स में, ठीक है, इन्फेंट्स में 10-20% इन्फेंट्स में देखने को मिलती है और 2-3% एडल्ट्स और चिल्ड्रन में देखने को मिलती है. ठीक है, जैसा कि पहले बताया, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है. सिर्फ आप जो भी इरिटेंट्स हैं जिससे इरिटेशन हो रहा है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, एक्जिमा में बहुत ज्यादा खुजली होती है, हमेशा खुजली होती है और रेसेस होने से पहले खुजली होने लगेगी, देन आफ्टर रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, इची रेसेस होते हैं, उनमें से एक तरीके का पानी सा रस्ता है और पपड़ी जैसी निकलती है. मेनली ये घुटने के पीछे होते हैं, नेक में होते हैं, कलाई पर होते हैं या आपके जो एंकल्स होते हैं, टखने होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है. कभी कभी चेस्ट में भी देखने को मिलता है और लेग्स का जो बैक साइड का एरिया होता है उसमें ये बहुत ज्यादा एक्जिमा की कंडीशन एटोपिक डर्मेटाइटिस की देखने को मिलती है. ठीक है, जो भी चिल्ड्रंस या एडल्ट्स होते हैं उनमें रेसेस एल्बो में प्रेजेंट होते हैं, एल्बो में, और घुटने के पीछे होते हैं, नेक में होते हैं और एंकल्स में होते हैं. जिन लोगों की फेयर स्किन होती है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उसमें क्या रेडिस अपीयरेंस स्पॉट्स मिलते हैं और जिन लोगों की डार्क स्किन होती है उसमें एक्जिमा अफेक्टेड एरियाज में स्किन पिगमेंटेशन को डल कर देता है, तो कभी ब्लैक या एरिया व्हाइट हो दिखने लगता है. ठीक है, ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एटोपिक डर्मेटाइटिस और मिज और एक्जिमा. ओके, अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन, रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेट मेडिसिन मैं आपको शेयर करूंगी. ठीक है, फर्स्ट मेडिसिन है आपकी मेजेरियम. मेजेरियम मेडिसिन मेनली स्किन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. आपको जब भी एक्जिमा में बहुत ज्यादा इचिंग हो, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन के बाद, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन लगता है, टीका लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, उनको छोटा सा एरिया रेड हो जाता है और वहां से थोड़ा पानी सा निकलने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है. ठीक है, ये प्रॉब्लम मेनली गर्मी से और ज्यादा बढ़ने लगती है. उनको कपड़े पहनाते हैं तो उससे और ज्यादा वो कंडीशन
और रेड होने लगती है और टच करने से भी और ज्यादा बढ़ने लगती है। इचिंग बहुत ज्यादा बच्चे को होती है, ठीक है। ऐसा लगता है इचिंग के दौरान कि उसकी बॉडी पर इंसेक्ट स्क्रेप कर रहे हो, मींस इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो, ठीक है। ये कंडीशन इसमें क्या, और जब वो डिस्चार्ज होता है वो एक तरीके का थिक बहुत ज्यादा वाइट पस जैसा होता है, क्योंकि क्या एक स्किन जो होती है उसके ऊपर पस लाइक, ठीक है, पस लाइक पस का लेदर लाइक स्ट्रक्चर वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही टफ हार्ड स्किन फील होती है, ठीक है। उससे ड्राई क्रस्ट वहां पर निकलते हैं, ठीक है। अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप मिजेरियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में बच्चे को चार चार ग्लोबल्स दिन में 3 बार दे, और अगर बड़ों एडल्ट्स के साथ होती है तो डाइल्यूशन फॉर्म में आप चार चार बूंद दिन में 2 बार ले, ठीक है। अनदर वन मेडिसिन इज नेट्रम्फोस। नेट्रम्फोस मेडिसिन है, बॉडी में नेट्रम्फोस की डेफिशिएंसी होने के कारण ये एक्जिमा की प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें क्या रहता है, मेनली एंकल जॉइंट्स के पीछे एक्जिमेटस इरप्शन होने लगते हैं, उनमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, और मेनली नेट्रम्फोस में क्या रहता है, ये सभी स्किन सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, और जो एक्जिमा होता है वो स्मूथ चिकना सा होता है और रेड कलर का और शाइनिंग जैसा दिखता है, रेड और चमचमाता हुआ दिखेगा। पेशेंट के पैर क्या बर्फ से आइसी कोल्ड रहते हैं रात में और दिन में गर्म रहते हैं। अगर ये बच्चे के साथ ये सिम्टम्स हैं तो बच्चे को दो दो टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, और अगर बड़ों के साथ है तो चार चार टैबलेट आपको को दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। अनदर वन मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस आल्सो ए गुड मेडिसिन फॉर स्किन ट्रबल्स, ठीक है। तो स्पेशली फॉर एक्जिमा एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। एक्जिमा के इरप्शन जो डर्म होते हैं ग्रेफाइटिस में, उसमें मेनली ऑक्सीपिटल रीजन में रहते हैं, एयर के पीछे रहते हैं, कान के पीछे रहेंगे, और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन जो हमारा हेड में होता है उसमें होंगे, और एनस के अराउंड इसके कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, यहीं पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जो जो इरप्शंस में से डिस्चार्ज निकलता है वो वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूड निकलता है। याद रखिए तीनों मेडिसिन का जो डिस्चार्ज का कैरेक्टर है डिफरेंट है, ठीक है। इरेक्स और वन थिंग और इस मेडिसिन में कि जो अगर स्किन सिम्टम्स आपके सप्रेस हो जाते हैं तो उसके बाद पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है, उसका पेट पेशेंट का खराब हो जाता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में चार चार बूंद डाइल्यूशन फॉर्म में दिन में 2 बार ले टंग पर, और मेडिसिन लेने से पहले टंग को प्रॉपरली क्लीन कर ले, ठीक है। उस पर कुछ भी फूड पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए जिससे मेडिसिन की एब्जॉर्प्टिव पावर कम हो जाती है, ठीक है। अनदर वन मेडिसिन इज काली सल्फ। काली सल्फ ऑल्सो ए गुड मेडिसिन फॉर स्किन ट्रबल्स। एक्जिमा की बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें क्या, स्किन में जो भी एक्जिमा की स्किन होती है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, सोरनेस फील होती है, और मेनली येलो वाटरी सीक्रिशन होता है, पीले कलर का सीक्रिशन होता है, ठीक है। इन सिम्टम्स के साथ अगर आपका येलो वाटरी सीक्रिशन होता है तो आपको काली सल्फ मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है, चार चार बूंद, ओके। अनदर वन मेडिसिन इज नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम इट इज ए कॉमन सॉल्ट जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको हम फूड में डालते हैं, वही उसी से मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मेनली आपके कान के पीछे या दाढ़ी पर या आपके जो फोर पार्ट होता है हेड का
उस एरियाज में पर्टिकुलरली एक्जिमा होता है, और जो एक्जिमा होता है वो इन्फ्लाम्ड होता है, बहुत ज्यादा रेडनेस, उसमें बर्निंग बर्निंग फील होती है, और बहुत ही मतलब मोटा मोटा सा होता है, और अल्सरेटिव एक्जिमा होता है, अल्सर से पड़ जाते हैं। ठीक है, मेनली इसमें एग्रावेशन जो होता है, आपको सॉल्ट ज्यादा इंटेक करने से आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने लगती है, और जो आपको रिलीफ होता है वो खुली हवा से रिलीफ होता है और कोल्ड बाथिंग से रिलीफ होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपके साथ ये सिम्टम्स प्रेजेंट है तो आपको नेट्रम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में चार चार बूंद दिन में दो बार लेना, याद रखें ओनली टू टाइम्स इन अ डे। ठीक है, ये सभी मेडिसिन आप अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स लेंगे तो आपका जो एक्जिमा छाजन की प्रॉब्लम है डेफिनेटली दोबारा रिपीट नहीं होगी और क्योर हो जाएगी कंडीशन, और आप जो भी खुजली की परेशानी से परेशान है वो आपकी ठीक हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो एंड टॉपिक लेकर मैं डॉक्टर निकिता सेलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।